हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। टॉपिक रिवीजन में हम बात करने वाले हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। आइए बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। देखिए, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम क्या होता है, इनका मान लो कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसमें से एक फोटोन निकलता है। अब फोटोन कब निकलेगा भाई, जब सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। क्या सर हाइड्रोजन एटम से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इनका नहीं, हीलियम भी हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस प्लस हो सकता है। जब भी यहां पर क्या होगा कि एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एक फोटोन निकलता है, तो बताइए कि वो एटम फोटोन को निकलने के बाद कितनी वेलोसिटी से पीछे जाता है, उसे ही बोलते हैं बेटा क्या, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आता है तो ये बड़ा आसान है आपके लिए, जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही क्वेश्चंस हैं ये। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही बेस्ड कहानी चलती है पूरी की पूरी, किसकी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मैंने कहा देखें, आपको ये कहानी आनी चाहिए कि मान लो कि आपका ग्राउंड स्टेट है एन बराबर वन, या आपका n बराबर टू है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर थ्री है, आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट और n बराबर फोर है। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, पहले एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात कर लें, पहले एक्साइटेड स्टेट कहां पर आती है, एन बराबर टू पर आती है। ग्राउंड स्टेट में कितना होता है एनर्जी, यहां से डिसाइड होता है सर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए वन हो जाएगी, एन की वैल्यू वन हो जाएगी, हाँ कि ना, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए सर। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि क्या सर, हमें तो सिंपल ये याद रखना है कि क्या क्या याद रखना है भाई, एन की वैल्यू वन हो गई, यहां पर याद रखना है आपको माइनस का कितना भाई, माइनस का 3.4, अरे बोले भाई, इंटू जेड स्क्वायर, इंटू क्या, जेड स्क्वायर सर, अरे बोलो भाई कितना, जेड स्क्वायर, यहाँ पे -1.51 इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 0.85 इंटू जेड स्क्वायर। मैं जनरली आपको हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, किसी भी एटम के लिए पूछ लिया जाए आपको बात समझ आ जाएगी। हीलियम प्लस के लिए बात करें तो जेड बराबर 2 डाल देना, और लिथियम प्लस प्लस के लिए बात कर ले तो जेड बराबर 3 पुट कर दोगे। हाइड्रोजन एटम के लिए तो कहानी सिंपल, जेड बराबर 1 पुट करने पे आपको याद हो जानी चाहिए, आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6, -3.4, -1.51 और माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपको ये भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा क्या होगा, मैंने कहा ये 10.2 इंटू जेड स्क्वायर कर दो सर, जनरल बात कर लेते हैं। इसके लिए सर मैंने कहा इसके लिए 12.1 इंटू जेड स्क्वायर, और सर यहां पर मैंने कहा 12.75 इंटू जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है 2 और 1 के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर 2 से 1 में हो या 1 से 2 में हो तो कितना फोटोन निकलेगा या अब्जोर करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 12.1, यहां से यहां पर कितना 12.75। आइए बात करते हैं किसकी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। अगर ये कहानी आपको समझ आ गई है तो रिकॉइल वेलोसिटी आपके ऐसे चुटकियों में कहानी हो जाएगी। आइए बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की। अगर मान लो कि यार ये हाइड्रोजन एटम है आपका, हाँ सर, अरे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में मान लो कि ट्रांजिशन होता है कहां से कहां तक, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है 2 से 1 तक, यहां से यहां ट्रांजिशन होता है तो फोटोन निकलेगा कितने का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैंने कहा ये जो हाइड्रोजन एटम है ये यहां से फोटोन निकल गया आगे तो ये पीछे जाएगा जिस वेलोसिटी से, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसी को बोलेंगे सर हम क्या, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे सर, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम मैंने कहा ये फोटोन है, ये कौन है, फोटोन है। तो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, फाइनल मोमेंटम दोनों का मोमेंटम का सम क्या हो जाएगा, 0। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, अरे क्या यही कहानी होगी, हाँ कि ना, हाँ सर। हाइड्रोजन एटम, एटम का जो मोमेंटम होता है कितना होता है भाई सर, ये तो होता है सर mv और ये होता है सर h/λ, तो v बराबर आ गया सर h/λ, कितना है ये h/λ है, हाँ, इंटू m से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दिया और c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। hc/λ होता है क्या, एनर्जी, तो v का मान आ गया कितना, e अपॉन mc,
क्या आ गया E अपॉन MC। अब आप कहोगे कि सर HC बाय लैम्डा कौन सी एनर्जी है, मैंने कहा ट्रांजिशन की एनर्जी है, ये ट्रांजिशन की एनर्जी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 1 में ही हो, अरे 3 से 1 में, मान लो 2 से 1 में हुआ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मान लो हाइड्रोजन एटम नहीं हुआ हीलियम एटम हुआ तो यहाँ 10.2 इंटू कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, पक्का क्या? तो आपको क्या याद रखना है, सर एक बात बताइए, ये जब ये फोटोन निकला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकला, सारी की सारी एनर्जी लेकर फोटोन ही चला गया, इस हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी नहीं होगी, मैंने कहा नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है सर जो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बात कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है, हाँ कि ना, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, आया ही नहीं यार, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ कि ना। तो सारी की सारी एनर्जी कौन लेकर चला गया, फोटोन लेकर चला गया, इसलिए फॉर्मूला यही बना। आज के बाद याद रखना है क्या, v बराबर क्या, e क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिशन है, एनर्जी इन ट्रांजिशन है सर, अरे क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिशन है अपॉन मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अरे आया है क्या। तो आज के बाद आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ तो फिर गिना, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे और प्यार बनाए रखिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में, थैंक यू।